अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टी लर्निंग विद सोनी। आज हम बना जा रहे हैं रेस्टर्न स्टाइल मटन कड़ी, जो कि हमारे यहाँ शादियों में और दावतों में आम बनता है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही आसानी से बन जाती है। उसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले मैंने कुकर में 2 कप पानी डाल दिया है और इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। 1 किलो मैंने गोश्त लिया है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और इसको मैंने पानी में डाल देती हूँ। अगर आप डीप फ्रीज लेने आप फ्रीज़ हुआ हुआ लेने तो उसको अच्छे से डीप फ्रीज ज़रूर कर लीजिएगा, तब इसका टेस्ट अच्छा आता है। आप गोश्त कोई भी ले सकते हैं, मीट ले लें या फिर मटन ले लें, कोई भी आप ले सकते हैं। 3 ऑनियंस ले लिए मैंने, 3 अदद प्याज, और इनको मैंने रफली स्लाइसेस में काट लिया है। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब मैं इसमें डालूँ स्पाइसेस, जिसमें हैं 2 से 3 अदद लौंग, काली मिर्च साबुत, थोड़ा सा ज़ीरा और 1 अदद सिनेमन स्टिक, कोरिएंडर पाउडर यानी कि मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ। मैंने रफली काटा हुआ, आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। नमक डाल रही हूँ 1 चम्मच और इसको हम 15 मिनट तक पकाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें मैं ऑयल शामिल करूँगी और मज़ीद इसको 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल अलहदा हो जाए। देखिए ऑयल अलहदा हो चुका है, अब इसमें शामिल करूँगी 1 अदद टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें और इसको हम पकाएंगे। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हमने पहले भी शामिल किया था, और 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून मैंने शामिल किया है, 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है हल्दी और 1 टेबलस्पून मैंने शामिल किया है लाल मिर्च पाउडर, और इसको मैं पकाऊँगी मज़ीद 5 मिनट के लिए। और फिर मैं इसमें शामिल करूँगी 4 बड़े चम्मच दही के, और उसके बाद मज़ीद हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। अच्छी तरह से इसको पकाएंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी, गरम मसाला शामिल करेंगे इसमें हम, और इसको 2 मिनट तक दम पर रख के पकाएंगे। और आखिर में सर्व करने से पहले हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ी सी सूखी मेथी, और हमारा मज़ेदार सा मटन कड़ी बिल्कुल तैयार है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है।